हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, और आप सभी का JNC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। विशाल, डाका, सुनी, अनामिका, जिनसियन, स्वाति, सुमन, मुकेश, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो डियर स्टूडेंट, आज अपन कुछ स्पेशल MCQ के साथ में सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और बिल्कुल काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनका कल फाइनल इम्तिहान बाकी है और नॉर्थ स्टेट मेंस का एग्जाम है, उन सभी को सबसे पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग, यानी कल होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, JNC की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर मेंस नॉर्थ स्टेट के लिए। और ऐसे ही आप लोग हंसते खेलते कल का जो पेपर है उसको बिल्कुल क्रैक करना है, और सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट में आप सभी का नाम हो, ऐसी सभी को शुभकामनाएं। और बिल्कुल जो सफ़र कर रहे हैं अपने जो भी सेंटर है, उम्मीद है सेंटर पे सही सलूत आप पहुंच गए होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो अभी जर्नी कर रहे हैं तो बिल्कुल ट्रेवलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेवलिंग जर्नी बिल्कुल। और आज आराम से बिल्कुल रेस्ट कीजिए, नींद पूरी करनी है, आराम से बढ़िया खाना खा के सो जाना है, कोई जल्द पूरी नाइट में पढ़ाई वगैरह करने के चक्कर में मत पड़ जाना, नींद सबसे कंपलसरी है, तो नींद पूरी करके जाइए पेपर में, ठीक है। बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं रखनी है, थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है जो होना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को अगेन ऑल द बेस्ट। तो अपन सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, और चलो दो लाइन आपके लिए जिसमें आपने प्री क्वालिफाई किया और आप मेंस के लिए कल के दिन के लिए जिनको मौका मिला है उन सभी को दो लाइनें यहाँ बोलना चाहूँगा कि जिंदगी की असली मंजिल अभी बाकी है, जिंदगी की असली मंजिल अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमें, अभी तो लांगना सारा आसमान बाकी है, जिसको कल लांगेंगे पूरे आसमान को, यानी नॉर्थ स्टेट मेंस को फतेह करना है आप सभी को। तो इसी के साथ में अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट, और बिना टाइम वेस्ट किए टाइम की महत्व इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा कि विच पोजिशन शुड ए नर्सिंग ऑफिसर अवॉइड प्लेसिंग ए पेशेंट हु हैड सर्जरी फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। पेशेंट के टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उस कंडीशन में कौन सी पोजिशन को आपको उसको अवॉइड करने के लिए कहना है, बताना है, समझाना है, ठीक है बिल्कुल। तो इसी के साथ में ऑप्शन ए आपके सामने है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, और ऑप्शन डी है आपके सामने सेमी फाउलर पोजीशन। यह चार ऑप्शन है, चारों में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है उसको आपको पुट करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि आप नर्सिंग ऑफिसर हो तो आपको अवॉइड करनी है कौन सी पोजीशन, पेशेंट के कौन सी सर्जरी हो रखी है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है पेशेंट के, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ABCD में से यहां पे ऑप्शन पुट करना है। बिल्कुल आप सभी को अपना बेस्ट देना है, बिलीव सेल्फ इन खुद के ऊपर विश्वास रखना है, सेल्फ इन बिलीव खुद के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ बिल्कुल, खुद के ऊपर आपको विश्वास रखना, जो पढ़ा उसी में से आना है, बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, तो आपने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो फिर डरना किस बात का, एंजाइटी किस बात की भाई, जो पढ़ रखा है अपन ने उसी में से तो आना पेपर, ये तो है नहीं कि कहीं और कहीं से उठा के आ जाएंगे, तो जो पढ़ा है उसी में से आना है, तो सही अपने को करके आना है। तो बिल्कुल अपन मस्त रहिए, आराम से बढ़िया नींद लेनी है, आराम से टाइम पे सेंटर पे पहुँच जाना है सुबह, और
बिल्कुल पूजा उड़ा दिया गए हैं। तो इसका राइट आंसर ए बी है, बी बी है, सी बी है। कुछ स्टूडेंट ए पुट कर रहे हैं, कुछ बी बी, उर्वशी ने बी पुट किया है, शारदा ने सी पुट किया है। चलो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा है टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात कर रही है। यहाँ पे टोटल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट के क्या हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसके टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो कौन सी पोजीशन अवॉइड करनी है। काफी सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पे भी गलती कर दी, मेरे को ऐसा लग रहा है, इस वर्ड को भी स्किप कर दिया है, और यही तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी होती है डियर स्टूडेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कीवर्ड। तो जिन क्वेश्चंस में कीवर्ड होते हैं वो क्वेश्चन वास्तव में इजी होते हैं, लेकिन गलती क्या हो जाती है स्टूडेंट से, इस कीवर्ड को क्या होते हैं वो स्किप कर देते हैं, कीवर्ड को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से उनका आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अपने को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि जब भी क्वेश्चन आता है, और स्पेशली बड़ा क्वेश्चन जो दिखने को या दिखाई देता है, उसमें ऐसी मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहुँचते हो तो बीच में कीवर्ड कहाँ पर रह जाता है, ऊपर से समय का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, तो दोबारा भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अपना कंसंट्रेशन पूरा रखे, आप लोग आंसर की तरफ तांका जाखी ना करें, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस टाइम केवल क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। तो देखो, विच पोजीशन शुड ए नर्सिंग ऑफिसर अवॉइड, क्या पूछा, देनी नहीं है, कौन सी अवॉइड करनी है, कौन सी पोजिशन अवॉइड करनी है, ऐसे मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करनी है। इसलिए आपको ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्लेसिंग ए पेशेंट हु हैड सर्जरी फॉर टोटली रिप्लेसमेंट, अब काफी सारों स्टूडेंट का इजी हो गया, आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल जो आपने गलती की मैंने पकड़ ली, कैच कर ली। तो ये कीवर्ड था, इसको जिसने छोड़ा उसका क्वेश्चन जरूर गलत हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे अवॉइड करना है, तो अवॉइड की बात आती है तो सुपाइन पोजिशन बिल्कुल दे सकते हैं, सुपाइन पोजिशन तो अपन देते हैं और दे सकते हैं, लेटरल पोजिशन भी दे सकते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन भी दे सकते हैं। इन तीनों पोजीशन में और ऑर्थोपेनिक पोजीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, इन तीनों पोजीशन में हिप का फ्लेक्शन मिनिमम हो रहा है, क्लियर। सुपाइन में बिल्कुल पेशेंट सीधा रहेगा, लेटरल में भी ऐसे हो जाएगा लेकिन हिप का फ्लेक्शन नहीं होगा, सेमी फाउलर में भी ऊपर से पेशेंट को ऊपर कर देंगे बट हिप तो स्ट्रेट रहेगी ना उसकी, उसमें तो फ्लेक्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल जिसके ये समझ में आ गया है उसने सही आंसर पुट भी कर दिया है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ऑर्थोपेनिक पोजीशन में हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द हिप होता है, और इसी वजह से उस पेशेंट को ये पोजीशन क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्या करनी है, अवॉइड करनी है। तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, लेकिन कईयों ने तो ये जो कीवर्ड है ये भी स्किप कर दिया। तो जो क्वेश्चन कीवर्ड वाले आते हैं उन क्वेश्चन जब पढ़ते हो कीवर्ड को भी माइंड में रखो कि वास्तव में, क्लियर। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, जिन्होंने सी पुट किया उन सभी का यहाँ पे जवाब सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए पैथोलॉजी रिपोर्ट स्टेट दैट ए क्लाइंट्स यूरिनरी कैलकुलस इज कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड, पैथोलॉजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि एक पेशेंट है जिसके यूरिनरी कैलकुलस है यानी स्टोन है, क्या है, पेशेंट के स्टोन फॉर्मेशन है, कंपोज्ड ऑफ और किसका बना हुआ है, स्टोन यूरिक एसिड का बना हुआ है, क्लियर। विच शुड द नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड, अगेन कीवर्ड, तो इस बार स्किप नहीं होना चाहिए कीवर्ड आपका। तो नेक्स्ट पूछा है कौन सा इंस्ट्रक्ट नर्सिंग ऑफिसर को किस चीज को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बताना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, मिल्क, लीवर, चीज, और डी ऑप्शन आपके सामने है, वेजिटेबल्स। तो इनमें से उस पेशेंट को आपको डाइट के अंदर क्या चीज नहीं लेने के लिए बोलना है, अवॉइड करना है डियर स्टूडेंट, वर्ड को स्किप मत कर देना, क्लियर। तो अब इसका जवाब आपको देना है। वेरी गुड इवनिंग सभी को, नीलम भी आ गए हैं, प्रीति भी आ गए हैं, निधि भी आ गए हैं, और सभी को वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर जो कल नॉर्सेट का आपका मेन नॉर्सेट का एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट सभी को।
बेस्ट ऑफ लक टीम जेएनसी की तरफ से। और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट का यहाँ पे जवाब सही है, बी बी बी, बहुत बढ़िया। देखो डियर स्टूडेंट, अपन अगर बात करें यूरिनरी कैलकुलस की तो कई टाइप के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट के भी होते हैं, यूरिक एसिड के भी होते हैं, फॉस्फेट के भी होते हैं, ठीक है, कई टाइप के होते हैं। तो उसमें से अगर अपन बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड का अगर स्टोन है तो उस पेशेंट को अपन अवॉइड करेंगे किसके लिए, प्यूरिन डाइट के लिए, क्योंकि प्यूरिन से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है, क्लियर। तो उस पेशेंट को आपको अवॉइड करना है प्यूरिन डाइट के लिए, लो प्यूरिन डाइट लेनी है पेशेंट को, लो प्यूरिन डाइट ही अवॉइड करना है बिल्कुल। तो ये तो पूछा किस चीज के अवॉइड करना, तो देखो अब आपको पता होना चाहिए प्यूरिन, प्यूरिन ये नाइट्रोजनिक बेस होते हैं, नाइट्रोजनिक बेस होते हैं प्यूरिन, ठीक है। और इनका जो रिच सोर्स होता है वो क्या होता है, रिच सोर्स होता है एनिमल ऑर्गन, जो एनिमल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है प्यूरिन, क्लियर। और प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का स्टोन उसके हो रखा है, तो उस पेशेंट को अपन अवॉइड करेंगे कि उसको प्यूरिन नहीं लेना है, डाइट में प्यूरिन नहीं लेना है, ठीक है। तो एनिमल ऑर्गन्स की बात करें तो ह्यूमन इज आल्सो एनिमल, ठीक है। तो इस बात, लेकिन यहाँ पे लीवर की बात करें तो मछली का लीवर पेशेंट एज ए यूज करता है डाइट के रूप में। तो देखो एनिमल ऑर्गन्स की बात करें तो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, मिल्क ऑर्गन नहीं है, लीवर चीज भी मिल्क प्रोडक्ट है, वेजिटेबल भी नहीं है, तो सबसे जो बेस्ट सोर्स है प्यूरिन का वो है लीवर। तो उस पेशेंट को आपको अवॉइड करना है लीवर के लिए, कि लीवर आपको डाइट में, यानी मीट बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, मीट भी बोल सकते हैं, उसको मीट के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है, मीट के लिए क्या करना है, अवॉइड करना है। यहाँ पे ऑप्शन लीवर है तो लीवर के लिए भी अवॉइड करना है कि आपको ये डाइट में नहीं लेना है। वाई, क्योंकि प्यूरिन का सोर्स है, प्यूरिन से यूरिक एसिड बढ़ेगा और केलकुलाई है फॉर्मेशन पेशेंट के अगेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, और शायद इस बार प्री में नॉर सेट में क्वेश्चन आया था डियर स्टूडेंट, यहाँ से सभी को पता है कि जिस पेशेंट के मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स चल रहा है, आया था ना क्वेश्चन, जिस पेशेंट के मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स चल रहा है, उस पेशेंट को डाइट में क्या अवॉइड करना होता है, क्या लो लेना होता है, तो बिल्कुल उसको भी प्यूरिन डाइट क्या लेनी होती है, लो लेनी होती है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ नॉर सेट प्री का जो पेपर हुआ था आपके, आया था ना, बिल्कुल। तो मीट वगैरह, लीवर वगैरह, यानी अपन बोल सकते हैं एनिमल ऑर्गन में प्यूरिन पाया जाता है, तो अवॉइड करना वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डियर स्टूडेंट यहां से, कि अगर किसी पेशेंट का आपको यूरिक एसिड का सैंपल भेजना है, किसी पेशेंट का यूरिक एसिड का सैंपल भेजना है, क्या करना आपको, यूरिक एसिड का सैंपल भेजना है, तो डियर नर्सिंग ऑफिसर जी आपको उस पेशेंट को सैंपल भेजने से पहले क्या एडवाइस देनी है, तो आपको उस पेशेंट को बताना है अवॉइड रेड मीट। उस पेशेंट को आपको बताना है कि आपको जो रेड मीट है वो अवॉइड करना है पहले दिन से रेड मीट अवॉइड करना है। वाई, क्योंकि रेड मीट इज ए ऑर्गन, एनिमल ऑर्गन, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है, तो ऑलरेडी अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो भी बढ़ा हुआ आएगा, तो दिस इज ए फॉल्स रीडिंग, क्या कहलाएगी, फॉल्स रीडिंग, बिल्कुल। तो इस बात को भी आपको बिल्कुल, टायरामाइन कंटेनिंग फूड अवॉइड करते हैं मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स में, मोनोएमिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स में टायरामाइन वाला आया था, ठीक है, टायरामाइन इज ए एमिनो एसिड, उसका फूड अवॉइड करते हैं, क्लियर। तो ये रेड मीट यूरिक एसिड का सैंपल भेजने से पहले भी पेशेंट को मना किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑलमोस्ट का सही था, और बिल्कुल देखो मिल्क और चीज की बात करें तो इनमें पाया जाता है कैल्शियम, बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, और डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जिस पेशेंट को अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, और दिस इज ए मोस्ट कॉमन रीनल कैलकुलाई, मोस्ट कॉमन रीनल कैलकुलाई किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट वाले पेशेंट को आपको मना करना है मिल्क के बारे में, चीज के बारे में, आइसक्रीम के बारे में, कर्ड के बारे में,
यानी डेयरी प्रोडक्ट कम लेने के लिए बोलना है, वही, क्योंकि उसमें कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्लियर। वेजिटेबल्स तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है किसी भी टाइप का, चाहे स्टोन हो। और गोल ब्लेडर का स्टोन मोस्ट कॉमन किसका बना होता है? कोलेस्ट्रोल का। गोल ब्लेडर का मोस्ट, जिसको कोलीलिथियासिस बोलते हो आप, वो किसका बना होता है? कोलेस्ट्रोल का। बट रीनल इज ए कैल्शियम ऑक्सीलेट का। पटेल पिया, प्रिया है, पिया है भाई, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ राइट आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, लीवर एक, अगर ह्यूमन लीवर की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन लीवर की बात करें तो चार पांच बातें यहाँ बेसिक है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्लियर। इसका वेट अगर आपसे पूछे तो 1500 ग्राम होता है, क्लियर। इसके बाद में टोटल कार्डिक आउटपुट का सबसे ज्यादा कार्डिक आउटपुट किसको सप्लाई होता है? लीवर को 30 से 35% होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी आपसे पूछे तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? लीवर होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जाती है लीवर के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट, तो लो प्यूरिन डाइट देनी पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट? टीपीएन पेशेंट को, सॉरी टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए बोलते हैं अपन इसको, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टीपीए। टीपीए की बात कर रहे हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिनिस्टर किया गया है, विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट? प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या है? यहाँ पे एबीसीडी में से आपको पुट करना है, और यहाँ से कुछ थोड़ा सा हटके आपके नॉरसेट प्री में क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता है, हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में पूछा था। अगर किसी पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक है, आया था ना ऐसा हेमरेजिक स्ट्रोक का, तो उसमें उस पेशेंट को कौन सा कंपोनेंट देना है ब्लड का, जिसका राइट आंसर क्या था? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी था। बट यहाँ पे टीपीए आ गया, इसका मीन्स ये कौन से स्ट्रोक को देते हैं जिसमें थ्रम्बस बना है, उसकी वजह से अगर स्ट्रोक आया है तो उस पेशेंट को अपन देते हैं टीपीए, क्लियर। तो टीपीए किस पेशेंट को देते हैं? जिस पेशेंट के थ्रम्बस की वजह से स्ट्रोक आया उसको टीपीए देते हैं, जिसके हेमरेजिक स्ट्रोक है उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, क्लियर। बिल्कुल, पूजा बोल रही, इवनिंग शिफ्ट में आया था सर। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है कि उस कंडीशन में एक नर्सिंग असेसमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी। एपिकल पल्स चेक करना है पेशेंट की, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना है, साइन ऑफ ब्लीडिंग चेक करना है, और टिश्यू कॉम्पेटिबिलिटी चेक करनी है। सुख सिद्धू, वेरी गुड इवनिंग। आपके आया था क्वेश्चन, क्या आया था बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन आया था हेमरेजिक स्ट्रोक का। तो इसकी हमेशा अगर आपसे ऑप्शन में था एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो दिस इज करेक्ट वन। वाई वाई, यहां तो अपन पीआरबीसी या ब्लड तो दे सकते हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे क्यों रखते हैं डियर स्टूडेंट? सबसे ज्यादा 15 to 30 मिनट, 20 मिनट ही मान लेते अपन, 15 to 30 या 20 मिनट के अंदर अंदर इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है एक यूनिट को। लेकिन आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कम से कम एक यूनिट को 2 घंटे लगते हैं। पीआरबीसी या वूल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने में कम से कम एक यूनिट के लिए 2 घंटे चाहिए। तो कितना टाइम यहाँ पे एफएपी को अपन क्या करते हैं, विद इन 50 मिनट भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, यह डायरेक्ट प्लाज्मा के वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है, और हेमरेजिक शोक वाले पेशेंट में प्रायोरिटी क्या होती है? प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड करना। तो दिस इज बेस्ट फॉर हेमरेजिक शोक, स्पेशली हेमरेजिक स्ट्रोक पूछा था आपसे। कोई भी आर्टरी रप्चर होती है ना, आर्टरी रप्चर, तो आप सभी को पता आर्टरी से तुरंत ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिक शोक में पेशेंट चला जाता है। तो उसके लिए हमेशा ब्लड का प्रोडक्ट बेस्ट कौन सा माना जाता है? एफएफपी। तो यही तो क्वेश्चन था, हेमरेजिक स्ट्रोक बता दिया उसने। तो अपन सभी जानते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक कब आता है, कोई आर्टरी वगैरह रप्चर हो जाती तभी तो आता है, क्लियर। तो राइट आंसर वो था। यहाँ पे क्या पूछा? बिल्कुल, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडिचर होती है पर गया, साथ में टाइम
भी तो कम लगता है, विद इन 50 मिनट अपन दे सकते हैं FFP को, क्लियर। तो ये दो कारण होने की वजह से हमेशा ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है, कोई भी आर्टरी रप्चर होने पे, हेमरेजिक स्ट्रोक होने पे, क्लियर। और यहाँ पे जो TPA है अपना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिविटी, कब देते हैं, जब थ्रम्बस की वजह से स्ट्रोक आता है तब देते हैं, क्लियर। एल्टीप्लेज का नाम सुना होगा आपने, एल्टीप्लेज स्ट्रोक की दूसरी। एक चीज और बता देता हूं, पूछा जाता है स्ट्रोक का पेशेंट इमरजेंसी में आते ही सबसे पहले क्या करना, उसकी सीटी स्कैन कराई जाती है, सबसे पहले सीटी स्कैन करवानी है, अगर क्वेश्चन बनता है यहां से तो सबसे प्रायोरिटी होती है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन होने के बाद में ये देना है या FFP देना है वो डिसाइड किया जाता है। वाई, क्योंकि सीटी स्कैन से पता चलेगा स्ट्रोक है बट कौन सा है, हेमरेजिक है या थ्रोम्बोलिक है, क्लियर। तो आगे बढ़े, बिल्कुल सीटी फर्स्ट, बिल्कुल विशाल सीटी फर्स्ट करते हैं, उससे पता चलता है हेमरेजिक है या थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक है, उसके बाद में तो ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर तो पुट करो भाई, किसको टिक किया आपने ABCD में से। तो देखो TPA की अगर मैं बात करूं, जिस पेशेंट के अपन ने TPA दिया है, उस पेशेंट की अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो कौन सी चीज को मॉनिटर करना सबसे प्रायोरिटी होती है, तो एपिकल पल्स नहीं होती इसमें, एपिकल पल्स जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है डिजोक्सिन का, तो गलत भी मत कर देना। डिजोक्सिन अगर किसी पेशेंट के चल रही है तो जरूर आपको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगी एपिकल पल्स, क्लियर। तो प्रायोरिटी पे क्या रखना पड़ेगा, एपिकल पल्स, लेकिन यहां TPA के लिए कोई जरूरी नहीं है प्रायोरिटी पे रखना। इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल हमेशा मॉनिटर करना है, बट कौन सी टाइम प्रायोरिटी पे रखना है, रीनल कंप्रोमाइज पेशेंट के लिए, जिस पेशेंट की रीनल कंप्रोमाइज, रीनल फेलियर हो सकती है, किडनी में कोई बीमारी हो सकती है, किडनी में कैंसर हो सकती है, उस पेशेंट के लिए हमेशा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है, क्लियर। वाई, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ गया तो उस कंडीशन में गड़बड़ हो सकती है पेशेंट के। दूसरी बात है, अगर डायबिटिक चल रहे हैं तो भी गड़बड़ हो सकती है, पोटेशियम कम हो सकता है। नेक्स्ट है टिश्यू कॉम्पेटिबिलिटी, बिल्कुल इससे हो सकती है बट प्रायोरिटी पे नहीं होती हमेशा, लेकिन साइन ऑफ ब्लीडिंग, बिल्कुल साइन ऑफ ब्लीडिंग ऑलवेज बी प्रायोरिटी। तो बिल्कुल जिन्होंने भी यहाँ सी पुट किया है उन सभी का जवाब सही है, प्रज्ञा ने, रंजना ने, जास ने, प्रीत चौधरी, संदीप, अनीता, ऑलमोस्ट ने यहाँ सी पुट किया, संगीता नायक भी आ गए हैं, राजेश कुमार ने भी, बिल्कुल नेहा ने भी, तो जिन्होंने भी, कृपा भी आ गए हैं, आरती सिंह, ऑलमोस्ट ने सही पुट किया। तो बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पे सही है, साइन ऑफ ब्लीडिंग अपने साथ चेक करनी है कब, जब पेशेंट के TPA देते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर किया जाता है पेशेंट का, हेमरेजिक स्पेशली LTPLS चलता है उस कंडीशन में, ऑलवेज बी ब्लीडिंग इज प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेसिराटाइड ए वेजोडाइलेटर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, साथ में पल्मोनरी एडिमा भी है पेशेंट के, और पल्मोनरी एडिमा आते ही डियर स्टूडेंट आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि कौन सी साइड का हार्ट फेलियर है, क्लियर। क्योंकि एल से एल मैंने बता रखा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट आ रहा है तो आपको लंग्स याद रखने हैं, लेफ्ट आ रहा है तो आपको लंग्स याद रखने हैं, यानी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी सर्कुलेशन अफेक्टेड होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो लंग्स अफेक्टेड होते हैं, और लंग्स अगर अफेक्टेड होते हैं तो लंग्स से मिलते जुलते साइन देखने को मिलते हैं ना, जिसकी ट्रिक अपनी क्या है, डू चेप, जिसकी ट्रिक क्या अपनी, डू चेप, क्लियर। तो आपको एल से एल याद रखना है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लंग्स अफेक्टेड होते हैं, तो बच्चा क्या राइट, मनु वेरी गुड इवनिंग, तो बच्चा क्या राइट, राइट में अपने आप क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अफेक्टेड होगा, तो लेफ्ट साइडेड में लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो यहां पल्मोनरी एडिमा आ गया तो अपन को आइडिया लग गया कि कौन सी साइड, कौन सा हार्ट फेलियर है पेशेंट के, लेफ्ट साइडेड है, बिल्कुल। तो डू चेप है और अवे हेड हो जाता है किसके लिए, राइट साइडेड के लिए,
पेशेंट के क्या होता है, डिस्निया होता है, ऑर्थोपिनिया होता है, इसके अलावा कफिंग होती है पेशेंट को, ठीक है, एडवेंटियस ब्रीथ साउंड भी होती है पेशेंट को, हिमोप्टोसिस भी हो सकता है और पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे आपको जवाब देना है, अब ऑप्शन आपके सामने है, डिस्निया, हाइपोटेंशन, अनस्टेबल एंजाइना और डी ऑप्शन है प्री मैच्योर हार्ट बीट्स। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, नेसिराटाइड है वेजोलाइडेटर, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर ए पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा दोनों पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड डिक्रीज व्हेन मेडिकेशन इज इफेक्टिव, कौन सी चीज कम हो रही है तब आपको पता चल रहा है कि दवाई काम कर रही है, ये पूछा है सीधी सी भाषा में अगर अपन समझे। प्रियंका भी आ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा डाका सुननी कह रहे हैं सर एक्सप्लेनेशन ट्रिक प्लीज, अडिये डाका बिल्कुल, डू चेप बता तो दिया, डू चेप, डी यानी डिस्निया, ओ यानी ऑर्थोफिनिया, डिस्निया ऑर्थोफिनिया, ठीक है, इससे हो जाएगा कफिंग, ऐसे हिमोटोसिस भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है, कपिंग के साथ में ब्लीडिंग भी आ सकती है। ए का मीन्स होता है एडवेंटियस ब्रीथ साउंड, एडवेंटियस ब्रीथ साउंड देखने को मिलती है, और पी का मीन्स होता है पल्मोनरी एडिमा, पी का मीन्स होता है पल्मोनरी एडिमा। तो डियर डाका सुनी, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, डू चेप जो ट्रिक आपने पूछी उसका डिस्क्रिप्शन। प्रदीप भी आ गए, वेरी गुड इवनिंग प्रदीप, बिल्कुल आशीर्वाद, बिल्कुल आप सभी को टीम जेएनसी की तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और कल का पेपर बिल्कुल आपको आराम से बढ़िया ढंग से पेशेंट के साथ में अटेम्प्ट करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो क्वेश्चन है उसको सबसे प्रायोरिटी पे रखें, जीव क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक तो कीवर्ड आए तो उसको फोकस करना है, दूसरी बात आराम से देखो टाइम सभी के पास में होता है, टाइम कम नहीं होता, अकॉर्डिंग टाइम फिक्स होता है, ठीक है, वो अपने को लगता है कि टाइम कम है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगे तो उससे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और सही होने वाला क्वेश्चन भी गलत होगा, तो एक तो हमेशा पेशेंस रखे, जो क्वेश्चन है बस उस टाइम पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहे, उसके बाद में आंसर की तरफ बढ़े, और जो क्वेश्चन अगर आसानी से आपके कैचअप कर पा रहे हो तो कह सही करना है, वरना जिसमें थोड़ा डाउट हो वहाँ एलिमेंट्री अप्रोच इज बेस्ट, ठीक है, काटते जाओ, चार में से दो तो कट ही जाते हैं ना, दो की बात आती है, तो वहाँ थोड़ा अगर आपको आइडिया लगे थोड़ा उसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट सभी को, तो यहाँ पे राइट आंसर किसने पुट किया भाई एबीसीडी में से, मीनाक्षी पूछ रही है सर कोई थ्योरी बेच के बारे में बताएगा, बिल्कुल डियर मीनाक्षी, 11 अक्टूबर अपकमिंग जो 11 अक्टूबर है उसको जेएनसी की तरफ से आप सभी को ध्यान में रखते हुए और आप सभी की बेहद डिमांड पे 11 अक्टूबर को ऑफलाइन थ्योरी बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और यह बैच जो बंदे के काफ़ी सारे स्टूडेंट की मजबूरी भी होती है तो ऑफलाइन बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते उनको ध्यान में रखा गया है स्पेशली, और रियल लाइव बैच भी, वो क्लास आपकी रियल लाइव होगी जैसे आया ऑफलाइन वालों के लिए होती है ना, सेम पूरी क्वेश्चन पेपर थ्योरी सब कुछ आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा, तो थ्योरी बैच की भी इंफॉर्मेशन आई होप आपको मिल गई होगी। दूसरी बात, 4 अक्टूबर से आपके लिए लाइव बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है जिसकी क्लासेज 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल डियर प्रज्ञा ने एक क्वेश्चन पूछा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल प्रज्ञा डियर यहाँ पे विलम्स ट्यूमर किसकी किडनी की, विलम्स ट्यूमर किसकी ट्यूमर होती है, किडनी की ट्यूमर होती है, ठीक है, और किडनी की ट्यूमर होती है बिल्कुल प्रज्ञा, विलम्स ट्यूमर को अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा, विलम्स ट्यूमर आल्सो नाउन एज नेफ्रोब्लास्टोमा, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं ना, नेफ्रोन की ट्यूमर, नेफ्रोब्लास्टोमा या विलम्स ट्यूमर स्पेशली बच्चों में देखने को मिलती है, क्लियर। तो अब अगर किडनी की ट्यूमर हो रही है, यहां पर क्या क्वेश्चन है कि सर विलम्स ट्यूमर की वजह से हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलता है,
ठीक है, तो विलम्स ट्यूमर किस में हुई? किडनी में हुई, नेफ्रोन में हुई। किसका फंक्शन अल्टर्ड हुआ? किडनी का फंक्शन अल्टर्ड हुआ। किसका? किडनी का। किडनी का काम क्या होता है भाई? ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना। तो ये किडनी जब इसका फंक्शन अल्टर्ड हुआ तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो पेशेंट की बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फ्लूड एक्यूमुलेशन, फ्लूड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, और ड्यू टू दिस इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। किडनी कंप्रोमाइज होती है विलम्स ट्यूमर में, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है, पेशेंट का जो फ्लूड है वो बॉडी में रिटेन रहता है, और उसकी वजह से पेशेंट के हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपके, जिसका भी ये डाउट था, प्रज्ञा का डाउट था। तो बिल्कुल, तो ड्यू टू दी रीनल कंप्रोमाइज फ्लूड रिटेंशन की वजह से उसके क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन। तो यहां पे इसका आंसर डिस्निया हो जाएगा भाई। देखो, डिक्रीज, हालांकि ये वेजो डायलेटर है, बीपी भी डिक्रीज होती है, बीपी भी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहां पे पूछा है कौन सी चीज कम होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड डिक्रीज। तो देखो, हाइपोटेंशन, बीपी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पे पूछा है अगर हाइपरटेंशन है तो वो डिक्रीज इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइपोटेंशन तो डिक्रीज नहीं होगा। अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना के लिए डायरेक्ट इसका कोई रोल, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, नेस्री टाइट क्या होता है? बीएनपी होती है डियर स्टूडेंट, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, और ये क्या करता है? स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है, स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है, स्मूथ मसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। स्मूथ मसल्स अगर डायलेट होती है तो अपनी ब्रोंकाई की मसल्स भी डायलेट होती है, वो भी तो स्मूथ मसल है, तो ब्रोंकाई की मसल है डायलेट होती है, और ब्रोंकाई की मसल से डायलेट होती है तो पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है, तो डिस्निया डिक्रीज होगा। डिस्निया में जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था पेशेंट को ब्रीथिंग में, उसमें आराम मिलेगा, उसमें रिलीव मिलेगा, और उससे आपको आइडिया लगा कि मेडिकेशन इफेक्टिव है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट क्या इफेक्टिव है। क्लियर, तो नेस्रीटाइड एक बीएनपी होता है, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड होता है, जो वेजोडायलेटर्स के साथ साथ में स्मूथ मसल्स को भी डायलेट करता है, और पल्मोनरी यानी ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स को डायलेट करेगा तो पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी, यानी डिस्निया से उसको आराम मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक चीज और बता देता हूँ, बीएनपी हमेशा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का इंडिकेटर होता है, बट अगर आपसे पूछा जाए राइट साइडेड का तो आपका सीवीपी करना है, क्लियर। लेकिन अगर आपसे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस पूछा जाए, तो क्या करोगे? हालांकि एंजियोग्राफी अगर है ऑप्शन में तो बेस्ट है, अगर एंजियोग्राफी वगैरह नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, तो एक्सरे भी सही कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर आपका डिस्निया होने वाला है, स्मूथ मसल्स के डायलेशन की वजह से पेशेंट को सांस लेने में आसानी होगी। बिल्कुल, अगर एडिमा नहीं होती, पल्मोनरी एडिमा बिल्कुल, तो फिर वेजो डायलेशन की वजह से बीपी कम होता, बीपी क्या हो जाता है? पेशेंट का कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन ही नहीं समझा, जो पूछ रहे हैं सर ये नहीं होता, देखो, अरे ये वर्ड है ना, बहुत कुछ बता रहा है यहाँ पे। डिक्रीज क्या होता? तो हाइपोटेंशन डिक्रीज थोड़ी होता, यहां अगर हाइपरटेंशन देते ना, हाइपरटेंशन डिक्रीज होता तो बिल्कुल अपन समझ में आता कि बीपी बढ़ा हुआ वो कम होता, तब ड्रग इफेक्टिव होती। तो बी ऑप्शन तो आपको मेरे ख्याल से सोचना ही नहीं, अगर क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया। यहां पे पूछा डिक्रीज क्या चीज हो रही, तब पता चलेगा दवाई काम कर रही है, ठीक है। तो एज करेक्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ स्केबीज, स्किन डिजीज होती है, स्केबीज क्या होती है? एक प्रकार की स्किन डिजीज होती है, ठीक है। विच इंफॉर्मेशन अबाउट स्केबीज शुड दी एनओ, एनओ यहां पे नर्सिंग ऑफिसर है भाई,
कंसिडर वेन प्लानिंग केयर फॉर दिस पेशेंट। एक नर्सिंग ऑफिसर है जिसको पेशेंट असाइन हुआ है और डायग्नोस क्या उसका इसके बीज है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उस पेशेंट की केयर का प्लानिंग या प्लान का पार्ट हो सकता है, ये आपसे पूछा है। बिल्कुल कुमारी अर्चना, डिस्निया डिक्रीज यानी कम 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 कंफर्ट इन दी ब्रीथिंग, बिल्कुल सही पुट किया आपने, बिल्कुल प्रज्ञा ने। ऑप्शन तो देखो पहले, पता चले आप जो पुट करे ऑप्शन में नहीं मिले तो हाईली कंटाजीनियस होती है, बी ऑप्शन है कॉज्ड बाय फंगस क्रोनिक विद एग्जर्बेशन होती है, और डी ऑप्शन है एसोसिएटेड विद अदर एलर्जीज। बिल्कुल प्रज्ञा ने ए, बिल्कुल ए को 100% करेक्ट किया है, कॉन्फिडेंस। पूजा ने, मनु ने, सारण, चिगारी, रितू, सभी ऑलमोस्ट ने यहाँ पे पुट किया, बहुत बढ़िया शानदार। तो देखो इसके बीच क्या होती है, इसके बीच एक हाईली कंटाजीनियस डिजीज होती है, हाईली कंटाजीनियस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है पीजीआई चंडीगढ़ में, ठीक है। तो इसके भी चीजिए हाईली कंटाजीनियस डिजीज। दूसरी बात, फंगस से कोज नहीं होती, ये एक माइट से कोज होती है, फंगस से कोज नहीं होती, माइट से कोज होती है, क्रोनिक विथ क्रोनिक नहीं होती हमेशा, ये एक्यूट होती है, सडन डेवलप होती है एक्यूट, इसका ऑनसेट कैसा होता है, एक्यूट होता है, न कि सडन होता है। बिल्कुल सुमन दास सी पुट कर रहे हैं, लेकिन सी नहीं होगा डियर, क्रोनिक नहीं होती, एक्यूट होती है, इसके बीच तुरंत कॉन्टेक्ट में आता है तो विद इन कुछ आवर्स और डेज ये क्या हो जाती है, साइन सिम्टम अपीयर कर देती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके बीच एक्यूट ऑनसेट होता है, टिक और माइट से कोज होता है, इसके अलावा हाईली कंटाजीनियस डिजीज होती है, ठीक है, माइट से कोज होती है, एक्यूट होती है, ऑनसेट, हाईली कंटाजीनियस होती है, एसोसिएटेड विथ अदर एलर्जीज का कोई रोल नहीं यहाँ पे, अदर एलर्जी का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हाईली कंटाजीनियस डिजीज होती है, ठीक है, हाईली कंटाजीनियस, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछे तो 5% परमेथलिन क्रीम होती है, ठीक है, हाईली कंटाजीनियस डिजीज होती है, जो एक इच माइट है जिसको सार्कोप्टिज इसके बीजीज बोलते हैं, सार्कोप्टिज इसके बीज से कोज होती है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस परमेथिन होती है 5%, बिल्कुल बिल्कुल छोटी 5% भी लगाना है इसके, क्रीम तो होती है लेकिन कितने परसेंट वाली सबसे बेस्ट होती है, 5% 5% परमेथिन क्रीम आती है जो टॉपिकल ऑइंटमेंट के रूप में यूज करते हैं, क्लियर। अगर आपसे पूछे तो तीन चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, इस माइट का नाम पूछे तो सार्कोप्टिज इसके बीज होता है, हाईली कंटाजीनियस डिजीज होती है, और 5% परमेथ्रिन क्रीम का यूज अपन इसके लिए करते हैं, ठीक है। और पेशेंट को आपको अगर पूछे तो क्या एडवाइस देना है, पेशेंट को बोलना है कि जितने भी क्लॉथ वगैरह जितने भी जो भी आर्टिकल्स पेशेंट के यूज हुए हैं टच हुए हैं उन सभी को किसके अंदर, धूप के अंदर सुखाना है, यानी हीट के कॉन्टेक्ट में लाना है, सन सूर्य की जो यूवी रेज अपन बोल सकते हैं एक प्रकार की, हीट के कॉन्टेक्ट में लाके बिल्कुल बाद में यूज में लेना है, वॉशिंग करना है उसके साथ में, हॉट वाटर से भी करना है बिल्कुल ज्योति, लेकिन उसके अलावा सूर्य की गर्मी में बिल्कुल सुखाना है, ऐसी एडवाइस आपको देनी है पेशेंट को, क्योंकि उससे क्या होता है ये माइट किल हो जाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ये नर्सिंग ऑफिसर इज इवैल्यूएटिंग ए पेशेंट फ्लूइड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटेंसिव बर्न हुआ है पेशेंट के, क्या हुआ भाई एक्सटेंसिव बर्न हुआ है, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लड टेस्ट टू यूज व्हेन मॉनिटरिंग ए पेशेंट फ्लूइड लॉस। तो आप सभी जानते हो 24 आवर्स स्टार्टिंग के जो 24 घंटे है उसमें सबसे बड़ी रिस्क होती है किसकी, फ्लूइड लॉस की, बर्न वाला जो पेशेंट होता है ना उसमें स्टार्टिंग के 24 घंटे यानी फर्स्ट डे, मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट डे सबसे बड़ी रिस्क किसकी होती है, फ्लूइड लॉस की होती है, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि उस पेशेंट का कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जो बेस्ट इवैल्यूएशन का काम करेगा यहाँ पे,
ऑप्शन आपके सामने है, ये ऑप्शन है B1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। B1 क्या होता है डियर स्टूडेंट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो 8 to 20 mg पर डेसीलीटर, बट अगर आपके एनकलेक्स अकॉर्डिंग पर चले तो 8 to 25 mg पर डेसीलीटर, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रेंज होती है। ठीक है, रेंज इंपॉर्टेंट है अमोनिया की, अमोनिया की भी रेंज क्या है इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया की 10 to 80 mEq पर लीटर रेंज होती है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे क्रिएटिनिन की, सीरम क्रिएटिनिन लेवल सबसे ज्यादा पूछा गया भाई अभी तक इन तीनों में से, सीरम क्रिएटिनिन, तो 0.6 to 1.3 mg पर डेसीलीटर, दिस इज नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिनिन जो आपसे पूछा जाता है कई बार। बिल्कुल 10 to 20 mg नहीं होता डियर रश्मि, अमोनिया का लेवल एमजी में नहीं होता, गलती मत कर देना। ठीक है, दूसरी बात, क्रिएटिनिन का 0.6 to 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है, और ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलना अपने को। वाई, क्योंकि जो लिथियम होती है उसकी थेरेपेटिक रेंज की बात करें तो भी यहीं फॉल होती है, 0.6 to 1.2 mEq पर लीटर होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिख रहा हूं यहां पे, एमजी पर डेसीलीटर लिख रहा हूं यहां पे, क्लियर। तो ये लिथियम की थेरेपेटिक रेंज होती है, और लिथियम का क्वेश्चन तो नॉर्सेट के पेपर में देखने को मिल सकता है भाई, कोई अचंभा वाली बात नहीं है अपने लिए। बिल्कुल लिथियम है, डिजोक्सिन है, एड्रेनलिन है, ठीक है, एट्रोपिन है, मॉर्फिन है, ये सभी वो ड्रग्स है जिनका क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे लिथियम की थेरेपेटिक रेंज आपको याद होनी चाहिए, 0.6 to 1.2 mEq पर लीटर। चलो एक चीज और यहाँ पे फॉल होती है वो भी बता देते हैं, टोटल बिलीरुबिन का लेवल भी पूछ लिया जाए तो 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है, टोटल बिलीरुबिन का लेवल भी, बिल्कुल नीतू, मोर देन 1.5 से टॉक्सिसिटी में काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना एबीसीडी में से, इसका आंसर तो भूल गए आप, क्वेश्चन का आंसर तो पुट करो, देखे किसने अभी तक ए पुट किया भाई, सरन चिगारी ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रियंका यादव ने, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल, कि डिजोक्सिन सर क्या कोज करती है। डियर डियर प्रियंका देखो, डिजोक्सिन क्या कोज करती है आपने पूछा, उसका आंसर बता रहा हूं मैं, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज हाइपरकैलेमिया, माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहला वाक्य क्या बोल रहा हूं मैं, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा सुनना, स्टेटमेंट दूसरा सुनना, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो प्रियंका जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका राइट आंसर इज ए, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरकैलेमिया होता है, बट हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, क्लियर। अरे काफी सारे स्टूडेंट का ये डाउट में नहीं रहना है बिल्कुल भी, सिंपल, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी अगर है पेशेंट के तो उसके हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, पोटेशियम को अंदर नहीं जाने देगा, ब्लड में बढ़ेगा पोटेशियम का लेवल, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया कब होगा, जब डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही पेशेंट के, लेकिन अगर पहले से हाइपोकैलेमिया है तो उस कंडीशन में पेशेंट के क्या होगा, हमेशा अगर डिस्लोज होती है चेस्ट ट्यूब तो उसको आपको हमेशा स्टराइल वाटर में डिप करना है, टाइट ड्रेसिंग नहीं डियर, बिल्कुल उसको सबसे पहले स्टराइल जो वाटर की बोतल होती है पास में उसमें आपको क्या करना है, डीप करना है। ठीक है, पहले आईसीडी का क्वेश्चन होगा ना, इंटरकोस्टल ड्रेनेज का, अरे आईसीडी के लिए तो पूछ रहे हो ना आप, आईसीडी
इंटरकोस्टल ड्रेनेज डालते हैं अपन पेशेंट के, जब थोरेक्स की सर्जरी होती है स्पेशली, ठीक है, उसके आईसीडी डाला जाता है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। कभी भी इसको क्या नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, क्लियर। कभी भी इसको बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको क्लोज नहीं करना होता। दूसरी बात, कभी भी इसको ग्रेविटी या अपने चेस्ट लेवल से ऊपर नहीं रखना होता। तीसरी बात, अगर सडनली अचानक वहां से, तो बिल्कुल सबसे प्रायोरिटी रखनी है उस कंडीशन में, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, देखो मधु ने सही पुट किया, कभी भी इसको अनक्लेम्प नहीं करना होता विदाउट डॉक्टर परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन, और कभी भी चेस्ट लेवल से ऊपर नहीं रखना होता। तीसरी कंडीशन, तुरंत उसको अगर हट जाती है तो स्टराइल वाटर में डीप करना होता आपको, स्टराइल वाटर में, क्लियर। टाइट ड्रेसिंग होती है वहां पे जहां ओक्लूजिव ड्रेसिंग की बात की जाती है ना, तो इसमें उसका कोई रोल, बिल्कुल। देखो नेराहा वनखर ने क्वेश्चन है कि सर जब पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आईसीडी को कहाँ रखना है, तो डियर आईसीडी को हमेशा बिलो दी चेस्ट लेवल रखना है, चाहे आप ट्रांसफर करो चाहे कुछ भी करो, पेशेंट को शिफ्ट करो कुछ भी करो, हमेशा उसके चेस्ट लेवल से बिलो होना चाहिए आपका क्या, आईसीडी का लेवल, क्लियर। तो बिल्कुल उस कंडीशन में ऑप्शन जो भी आता है जिसमें चेस्ट लेवल से नीचे का ऑप्शन आता है वो करेक्ट करके आना आपको, क्लियर। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका जवाब किसने पुट किया, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नर्सिंग ऑफिसर इज इवैल्यूएटिंग ए पेशेंट, फ्लूइड लॉस हुआ एक्सटेंसिव बर्न की वजह से, तो कौन सा ब्लड टेस्ट है जो आपको मॉनिटर करना है, एबीसीडी में से, एबीसीडी में से डिजोक्सन क्वेश्चन, द आर्टिस्ट पूछ रहे हैं भाई डिजोक्सन क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल। तो इसका जवाब किसने सही किया भाई, सी 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 ऑलमोस्ट का सी, बहुत बढ़िया। देखो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किसके लिए करते हैं अपन, ये किडनी को के फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए कर सकते हैं, ब्लड पीएच एसिड बेस इंबैलेंस के लिए चेक करेंगे, ईएसआर क्रोनिक इंफेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इंक्रीज मिलती है, तो बच्चा क्या हिमेटोक्रिट यानी विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट बोला जाता है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड को हिमेटोक्रिट बोला जाता है, और हिमेटोक्रिट क्या होगा, बढ़ रहा है यानी अपन कह सकते हैं पेशेंट की बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम, सॉरी फ्लूड का वॉल्यूम कम है, फ्लूड का वॉल्यूम कम है तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, गाढ़ापन बढ़ेगा, ब्लड का गाढ़ापन क्या कहलाता है, हिमेटोक्रिट कहलाता है, वेजो डियर मनु वेजो कंसेंट्रेशन, बिल्कुल हाँ कंसेंट्रेशन, ब्लड की कंसेंट्रेशन, हिमो कंसेंट्रेशन इज बेस्ट देन वेजो कंसेंट्रेशन, वेजो यानी तो ब्लड वेसल्स होता है उनका कंसेंट्रेशन नहीं होता, उनका कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कंसेंट्रेशन लगा रहे हो तो हिमो लगाओ पहले, ब्लड का कंसेंट्रेशन, क्लियर। अरे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको क्लेम्प नहीं करना होता, क्लेम तो करना ही नहीं है प्रियंका, क्लेम तो करना ही नहीं विदाउट परमिशन ऑफ द डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन। तो यहां पे सी इज करेक्ट, ऑलमोस्ट ने सही भी पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए पेशेंट विथ क्रोनिक लिवर फेलियर का पेशेंट है भाई, इज ए सून टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल योर वार्ड, विच डाइट शुड द नर्सिंग ऑफिसर एनकरेज द पेशेंट टू फॉलो बेस्ट ऑन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट है जो क्रोनिक लिवर फेलियर का पेशेंट है, उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, और डिस्चार्ज समरी में डॉक्टर कौन सी डाइट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा, ये एक नर्सिंग ऑफिसर को बताना है, एक आइडिया लगाना है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर हो, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो बिल्कुल आपको इसका जवाब बताना है। यहाँ पे पेशेंट की क्या हाई डाइट, हाई फैट डाइट लिखेगा डॉक्टर, लो कैलोरी डाइट या लो प्रोटीन डाइट या हाई सोडियम डाइट,
बिल्कुल प्रज्ञा ने, यहाँ पे लो प्रोटीन, लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, क्या बात है तीनों। और डेस्टिनेशन प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन, एबीसीडी में से पुट करो आप, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, ऑलमोस्ट का सब। देखो, क्रोनिक लीवर फेलियर का पेशेंट, यानी पेशेंट का लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा, तो लीवर में एक तो क्या होता है आप सभी जानते हो, बाइल फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, और इस बाइल का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा तभी तो डाइजेशन होगा फैट का, क्लियर। दूसरा कंसेप्ट है, जो प्रोटीन डाइट लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है और देन आफ्टर उससे बनता है अमोनिया, क्या बनता है, अमोनिया। देखो, दो चीजें अगर आपके समझ में आ जाती है और समझ में है तो बिल्कुल इसका जवाब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। एक तो लीवर में किसका प्रोडक्शन होता है, बाइल का, बाइल क्या करता है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है तभी तो इसका डाइजेशन हो पाएगा, उससे पहले तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। कंडीशन नंबर दूसरी, प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो उससे क्या बनती है, अमोनिया बनती है, और अमोनिया इज ए हाईली टॉक्सिक सबस्टांसेज, हाईली टॉक्सिक सबस्टांसेज। अब प्रोटीन खा रहे हो, अमोनिया बन रही है, लेकिन जब तक लीवर काम कर रहा है ना, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर करता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लीवर तो फेल है पेशेंट का, लीवर तो काम ही नहीं कर रहा, तो मेरे को बताओ उस पेशेंट को अगर आप हाई फैट डाइट देते हो तो क्या उसका डाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बाइल का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, लीवर है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा, तो बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, तो हाई फैट डाइट तो नहीं देनी है। तो ऑप्शन देखो, हाई फैट, ये तो कट हो गया। अगर उस पेशेंट को प्रोटीन डाइट देते हो तो प्रोटीन से अमोनिया बनेगी, और अमोनिया बनेगी तो बहुत ही टॉक्सिक सबस्टांसेज है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है, लेकिन जो लीवर है वो उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, थ्रो ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल। तो पूछा जाता है कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। तो अब पता चला लीवर फेल है, तो क्या इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ेगी, ब्लड में अमोनिया की कंसेंट्रेशन और मात्रा बढ़ जाएगी, और अमोनिया नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती, तो इस कंडीशन में पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं देना है, तो हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं देना है, तो बिल्कुल लो प्रोटीन लिखा है, लो प्रोटीन लिखा, हाई प्रोटीन तो लिखा ही नहीं, तो बिल्कुल ये दे सकते हैं भाई, लो प्रोटीन तो अपन दे सकते हैं, लेस देन 20 ग्राम पर डेसी लीटर, सॉरी पर डे, 20 ग्राम पर डे से कम प्रोटीन अपन दे सकते हैं पेशेंट को, लेस देन 20 ग्राम पर डे, इतनी प्रोटीन तो उसको दे सकते हैं, और दिस इज इंक्लूड इन लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट में ही आती है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी प्रोटीन आपने बंद कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लीवर में क्या बनती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या बनती है, लीवर में बनती है, तो बिल्कुल प्रोटीन बंद करना भी उचित नहीं है। वही, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में बनती है, लीवर काम नहीं कर रहा तो पेशेंट में प्रोटीन्स की तो कमी हो जाएगी, प्रोटीन्स की कमी होगी तो जो फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाएंगे, तो बिल्कुल बंद नहीं करना, लेकिन लो प्रोटीन डाइट देनी है। नॉर्मल अडल्ट की पूछी जाती है प्रोटीन कितनी देते हैं, तो 1 ग्राम पर केजी पर डे, तो एक आदमी 60 किलो का मान के चलते हैं अपन नॉर्मल, तो 60 किलो का है, तो डियर नर्सिंग ऑफिसर जी 60 ग्राम पर डे उसको प्रोटीन दे सकते हो आप, लेकिन एक बच्चे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, कैल्शियम बिल्कुल लेस देन, ठीक है। अब बात करें तो लो कैलोरी तो हाई देनी है, अरे फैट आप दे नहीं रही है, प्रोटीन लो दे रहे हो तो उसको एनर्जी के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी के लिए बेस्ट माना जाता है हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई कैलोरी, तो यहाँ क्या लिखा, लो कैलोरी, तो यह भी गलत है, डॉक्टर लो कैलोरी तो नहीं लिखेगा, हाई कैलोरी लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल बिल्कुल 1 ग्राम पर केजी ये नॉर्मल अडल्ट में पर डे देते हैं अपन, ठीक है, एक 60, तो इसलिए अपन कह सकते हैं 60 ग्राम पर डे, लेकिन लीवर कंप्रोमाइज वाले को 20 ग्राम से भी कम देना है पर डे 24 आवर्स में।
हाई सोडियम डाइट भी नहीं देनी है, लो सोडियम, इसके लिए सोडियम रेस्ट्रिक्शन होता है, इसके लिए सोडियम रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो लो सोडियम या बहुत कम सोडियम देना है, तो ये भी गलत है। तो राइट क्या हुआ बताओ, सी। और आप सभी ने क्या पुट किया, सी। और बिल्कुल ऐसे ही कल के मैंने एग्जाम में भी आप सही आंसर पुट करते रहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, सोडियम रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इसमें, तो यहाँ पे सी इज करेक्ट। चलो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल, प्रेगनेंसी में 15 ग्राम, लैक्टेशन 25 ग्राम, ठीक है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो पेशेंट इज रेडी फॉर इंट्यूबेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग एसोफेजल वेरिसेज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ ट्यूब शुड द नर्स एंटिसिपेट विल मोस्ट लाइकली बी यूज टू मीट द नीड्स ऑफ दिस पेशेंट, यानी पेशेंट के क्या इंट्यूबेशन कर रहे हैं। देखो किसी भी ट्यूब को डालना इंट्यूबेशन कहलाता है। आप बोलोगे सर एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालना इंट्यूबेशन कहलाता है, तो ये नहीं है, किसी भी ट्यूब को अंदर डालना इंट्यूबेशन ही तो है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पेशेंट का इंट्यूबेशन कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसोफेजियल वेरिसेज हो चुकी है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, और यू नो वेरी वेल कि दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। विच टाइप ऑफ ट्यूब शुड द नर्स एंटिसिपेट विल मोस्ट लाइकली टू मीट द नीड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पेशेंट। अच्छा सर क्लास को कंटिन्यू करो नोर सेट 6 तक, सारण चिगारी, बिल्कुल क्लास कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं आपकी। UPPSC KGMU नॉर्सेट 6 नॉर्सेट 7 का भी तो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हमारा JNC का फाइनल डेस्टिनेशन ही क्या है, आपको अपने सपनों तक पहुंचाना। और आपका सपना क्या है, आपके पेरेंट्स का सपना क्या है, ठीक है, वो है गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग फील्ड में, स्पेशली इंडिया में, ठीक है ना। तो वो तो डेस्टिनेशन है आपका और हमारा, तो उसके लिए मेहनत आपको भी करनी है, हमें भी करनी है, ठीक है। वो जहाँ पे आप मेहनत करने से चूकते हो वहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो एक है ना, कि सरकारी जॉब की सीट आपको दिलवाना। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन है 11-2, बी ऑप्शन है स्लेम सम्प मिलर एबोट, और डी ऑप्शन है ब्लैक मोर सेंगेस्टैन ट्यूब। तो ABCD में से आपको बताता है ओनली ऑन एम्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पूर्व महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा गुना होता है छोटे सपना देखना। इंसान का सबसे बड़ा गुना क्या होता है, छोटे सपने देखना। अगर आप सपने छोटे देखते हो तो उसके लिए आप मेहनत कम करते हो, और आप मेहनत कम करते हो तो वो छोटा सपना भी आपको हासिल नहीं होता है। तो हमेशा सपने तो बड़े देखने हैं, ठीक है। दूसरी बात, सपने देख के सोने से वो हासिल नहीं होते, और एक्चुअल सपने तो वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने के बाद नहीं आते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। रियलिटी तो ये होती है, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ट्यूब इसके लिए बेस्ट है, इसोफेजल वेरिसेज। यहाँ पे कई सारे दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, इसोफेजल वेरिसेज किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो लीवर सिरोसिस का। लीवर सिरोसिस में क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो लीवर सिरोसिस होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, तो इसोफेजल वेरिसेज हो सकती है। इसोफेगस की जो वेन्स है वो डायलेट हो सकती है, रप्चर हो सकती है। उस कंडीशन में कौन सी ट्यूब देखे, किसने क्या पुट किया है, डी डी ऑलमोस्ट का डी है, ऑलमोस्ट का ऑप्शन डी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे डी, आपने अपने सपनों को चार चांद लगा दिया, और इस क्वेश्चन के आंसर को भी बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट यानी सभी का यहाँ पे सही है, डी है। तो जी हाँ, देखो 11 ट्यूब क्या होती है, सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है, जिसका यूज अपन किसके लिए करते हैं, स्टोमक को डिकम्प्रेस करने के लिए, स्टोमक को डिकम्प्रेस करने के लिए, लवाज के लिए और गैस्ट्रिक गवाज के लिए, तीन पर्पज हो सकते हैं 11 ट्यूब का, जिसको आप राइल्स ट्यूब या
एनजी ट्यूब भी तो बोलते हो ना, वही तो होती है लेविन ट्यूब, जिसको राइल्स ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट होती है जो, तो उसका पर्पज हो सकता है स्टोमक को डिकम्प्रेस करना, गैस्ट्रिक गवाज करना, गैस्ट्रिक लवाज करना, ठीक है। दूसरी है स्लेम सम्प ट्यूब, इस ट्यूब का यूज भी किया जाता है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन या स्टोमक को डिकम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट मिलर एबोट ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, अब पता चला इसोफेगस का आपने डिकम्प्रेस कर दिया, गैस्ट्रिक यानी स्टोमक को डिकम्प्रेस कर दिया, लेकिन इंटेस्टाइन से भी तो ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन को भी तो डिकम्प्रेस करना पड़ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल मिलर एबोट ट्यूब का यूज करते हैं अपन इंटेस्टाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए, इंटेस्टाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, मिलर एबोट ट्यूब का यूज करते हैं। ब्लैक मोर सेंगस्टेन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होती है, थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है, यह थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है, इसमें तीन ल्यूमन होते हैं, और इस थ्री ल्यूमन ट्यूब का यूज अपन करते हैं इसोफेजियल वेरिसेज के लिए, किसके लिए करते हैं, इसोफेजियल वेरिसेज के लिए। बिल्कुल ये स्लम्स ट्यूब होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है, जिसका भी गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैक मोर सेंगस्टेन ट्यूब थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है, जिसका भी यूज किसके लिए करते हैं, इसोफेजियल वेरिसेज के लिए, इसोफेगस को डिकम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन आजकल इसका मॉडिफाइड रूप चल रहा है, इसका मॉडिफाइड, इसका मॉडिफाइड रूप भी चल रहा है, ठीक है, जिसको माइनासोटा ट्यूब बोला जाता है, जिसको माइनासोटा ट्यूब बोला जाता है, जिसमें चार ल्यूमन होते हैं, फोर ल्यूमन, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों ट्यूब हो जाती है, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब में तीन ल्यूमन होते हैं, क्लियर, जिसका यूज इसोफेगस को डिकम्प्रेस करने के लिए करते हैं इसोफेजियल वेरिसेज में। लेकिन जिसका आजकल जो एडवांस फॉर्म होती है वो होती है माइनेसोटा ट्यूब, जिसमें चार ल्यूमन होते हैं, ठीक है, और चार ल्यूमन में से इसोफेगस का भी ल्यूमन होता है, स्टोमक का भी होता है, एस्पिरेट करना करने का ल्यूमन भी उसमें होता है, ठीक है। तो बिल्कुल चार ल्यूमन पूछे तो माइनेसोटा, तीन ल्यूमन पूछे तो आपकी सेंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब, और डबल ल्यूमन पूछे तो स्लेम सम ट्यूब, सिंगल ल्यूमन पूछे तो आपकी लेविन ट्यूब। तो बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब, ऑलमोस्ट का सही यहाँ पे डीज करे, वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, कि जिस पेशेंट के आपने सेंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब लगाई है उस पेशेंट के बेड साइड में सीजर होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, यह भी पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन, जिस पेशेंट के सेंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब डाली गई है उस पेशेंट के बेड साइड में सीजर होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, ठीक है, फिर थोड़ा पूछ लिया जाता है, उस वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है डिस्निया की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की, कफिंग की, पेशेंट बोलेगा मेरे को सांस नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कफिंग आ रही है, उस कंडीशन में क्या एक्शन लेना है, उसको तुरंत बेलून को इन्फ्लेंट जो हो रखा है उसको डिफ्लेट करने के लिए सीजर से कट करना है आपको तुरंत, क्लियर। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, पायल ने सही पुट किया, उसके बेड साइड में क्या होनी चाहिए। अच्छा शबनम पूछ रहे, सर इतने टाइम आप कहाँ थे, आपकी क्लास से नहीं हो पा रही थी इतने टाइम, मिस्टर शुभम, अच्छा सॉरी मिस्टर शुभम है भाई, डियर शुभम यहीं था मैं, ठीक है, क्लास नहीं ले पा रहे थे उधर ऑनलाइन में ऑफलाइन में उधर, लेकिन बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी अपनी क्लास ऐसी। तो अगेन चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था अपना, और ऑलमोस्ट का सही हुआ, तो बहुत बढ़िया, अगेन आप सभी को कल के नॉर्सेट मेन के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।